संकल्प से ही सिद्धि होती है। अपने लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं। बदला लेकर नहीं, खुद को बदल कर देखिए। अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कुछ भी संभव है। आपके अलावा आपकी खुशी का कोई इंचार्ज नहीं। गलतफहमी हमेशा रिश्ते जोड़ने से पहले ही तोड़ देती है। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। इतने खुश रहें कि जब दूसरे आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। हैप्पीनेस कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है, ये आपके अपने कर्मों से आती है। दूसरों के नज़रों में अच्छा बनने से पहले खुद की नज़रों में अच्छा बनो। अच्छे रिश्ते वह है जिसमें कल के झगड़े आज की बातचीत को नहीं रोकती। हम नकारात्मक बातों से जितनी दूर रहेंगे हम सुख के उतने ही करीब रहेंगे। अगर आप अपना विज़न ऊंचा रखेंगे तो आपका सर अपने आप ऊंचा रहेगा। पाप करना नहीं पड़ता है, हो जाता है, और पुण्य होता नहीं, करना पड़ता है। व्यर्थ कार्य जीवन को थका देता है, रचनात्मक कार्य सुख और तेज बढ़ा देता है। जब मैं को हम में बदल दिया जाए तो इलनेस भी वेलनेस में बदल जाती है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, सफलता हमेशा प्रयासों से ही हासिल होती है। दुख उनके व्यवहार से नहीं अपने सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। अच्छा बनने के लिए इतनी मेहनत करें जितना कि खूबसूरत दिखने के लिए क्या करते हैं। किसी को दिल दुखाने वाली बात ना करें। वक्त बीत जाए लेकिन बातें याद रहती है। खुद के प्रति और प्रभु के प्रति प्रेम भाव हो तो दूसरों को आदर देना आसान हो जाता है। अगर रिश्तों में प्यार नहीं डालोगे तो जिंदगी चलेगी जरूर, पर रिश्ते को जोड़ नहीं पाएगी। घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि आप यह महसूस ही नहीं कर सकते कि आप गलत भी हैं। सुखी जीवन का आसान रास्ता ये है कि सबको हराने की जगह सबको जीतने की कोशिश करो। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले हमेशा डूब जाते हैं। फिर बोझ चाहे सम्मान का हो या अभिमान का। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है कि वह किसी में बुराई की तुलना में अच्छाई को ज़्यादा देखता है। विज्ञान और अध्यात्म जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही चीज़ कहते हैं, विश्वास मत करो, अनुभव करो। उनके साथ रहने का कोई कारण नहीं है जो आपको आप जैसा और वैसा होने के लिए खराब महसूस कराए। जब कोई दिल दुखाए तो बेहतर है चुप रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है कि वह किसी में बुराई की तुलना में अच्छाई को ज़्यादा देखता है। आप इतने खुश रहें कि जब आपको कोई देखे वह भी खुश हो जाए। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। इसे आंसुओं से धुलने या क्रोध से नष्ट न होने दें। बुराई किसी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने हमेशा छोटी ही रहती है। क्रोध और गुस्सा इंसान को तभी आता है जब वह अपने को कमजोर और हारा हुआ मान लेता है। छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि प्यार से हम अपनी लड़ाई ही खत्म कर लें। आपके अलावा आपकी खुशियों का कोई इंचार्ज नहीं है। आज के समय में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दुखी और असफल हैं कि वह अपनी अकल के उपयोग की बजाय दूसरों की नकल ज़्यादा करते हैं। अमीर बनने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। आप जो भी चाहते हो उसे पाने की कोशिश मिल गया है, उसमें खुश रहने का प्रयास करें। अगर आप किसी की खुशियाँ लिखने वाली पेंसिल नहीं बन सकते हैं तो कम से कम एक अच्छा सा इरेजर तो बन नहीं सकते हैं जो उसकी दुखों को मिटा सकते। किसी भी चीज़ का उदाहरण देना बहुत सरल है, लेकिन किसी के लिए खुद उदाहरण बनना बहुत ही मुश्किल। जब तक आप खुद दुखी नहीं होना चाहते तब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, सफलता हमेशा प्रयासों से ही मिलती है। बदला लेकर नहीं, खुद बदल कर तो देखिए। दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने से अच्छा है कि आप खुद की नज़रों में अच्छा बने। किसी को अपनी बानी से कष्ट मत पहुंचाइए। आप में जो गलतियां हैं दूसरों के पास भी जुबान है, सावधान रहिए। हर सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करिए। एक कहानी के हमेशा तीन पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच।
दुखी करने वाले इन चार चीजों से दूर रहिए। आलोचना करना, शिकायत करना, निंदा करना, तुलना करना। अगर किसी बच्चों को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। जन्म और मृत्यु के बीच में एक छोटा सा अंतराल है, इसीलिए इस अंतराल में खुश रहिए और दूसरों को खुश करिए। जीवन के हर पल का आनंद लीजिए। हम सब के अंदर एक मैजिक है जो हमारी ऊर्जा बदल देता है और हमारे प्रति दूसरों की धारणा बदल देता है, उसे ईमानदारी कहते हैं। सभी यही कहते हैं कि गलती सफलता का पहला कदम है, लेकिन मेरा मानना है गलती को सुधारना सफलता का पहला कारण है, पहला कदम है। लोग आपको हर्ट करते हैं, लेकिन भगवान आपको हील करेंगे। यह दुनिया आपको जज करती है, लेकिन भगवान आपको जस्टिफाई करेंगे। कुछ समय रोज अपने साथ बिताइए। खुद को समझने से औरों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। सत्व की नींव हिलती है, डोलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं। यह बात हर सुबह अपने को याद दिलाएं, सारा दिन अच्छा बीतेगा। हर एक की सोच, हर एक का नजरिया, हर एक का निर्णय अलग अलग होता है। दर्द उनके शब्दों में नहीं, अपने मन के शब्दों से होता है। कोई कुछ भी बोले या करे, हम अपने से प्यार से बात करेंगे। शक्ति बढ़ाकर गलती सुधारने के लिए जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा प्यार। कोई गलती करता है उस वक्त वह अपने कमजोर संस्कारों के बस में है। उसे डांटना, मजाक उड़ाना, रूठना उसकी शक्ति को घटाता है। हमारे साथ कोई गलत करता है, हमें बुरा लगता है। उनके लिए गलत सोचना, उनके साथ गलत करना सही लगता है। हम जो सोचेंगे और करेंगे वही हमारा कर्म है। हमारा कर्म उनका भाग्य नहीं बनाता, हमारा कर्म हमारा भाग्य बनाता है। उन्हें कर्मों को देखकर नहीं, उनके भाग को देखकर अपना कर्म चुने। हर रोज कई लोगों से मिलते हैं, उनके साथ काफ़ी समय निकालते हैं। ध्यान रखते हैं कि व्यवहार और बोल सही हो। ध्यान रखने से रिश्ते अच्छे होते हैं। अपने आप के साथ हमेशा रहते हैं, खुद से ध्यान से बात करते हैं। हम औरों को दुख देते नहीं, लेकिन उनके व्यवहार से उनसे दुख ले लेते हैं और कई घंटे, दिन या साल अपने को दुख देते हैं। किसी को दुख देना नहीं, किसी से दुख लेना नहीं। कोई झूठ बोले, धोखा दे, गलत व्यवहार करे, क्या हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? उनके व्यवहार का और हमारी सोच का कोई मिलान नहीं। वह अपने संस्कार के बस में, हमारी सोच तो हमारी पसंद है। वह हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम तो अपने साथ सही कर लें। अपनी अंदर की दुनिया को स्वच्छ रखें, अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया बनती है। पुराने बातें पकड़ के रखने से रिश्तों में गांठें पड़ जाती है। हम उनके साथ बातों को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन पुराने बातें इतनी निकल आती है कि गांठें खुलने के बजाय और बढ़ जाती है। जब गांठें खोल ना सको तो उसे तोड़ दें। पुरानी बातों को चित से मिटाकर प्यार से एक नई शुरुआत करें। परिवार को गुड मॉर्निंग करने से पहले, सोशल मीडिया पे गुड मॉर्निंग करने से पहले, सबसे पहले परमात्मा को नमन करें। सुबह किसी का चेहरा देखना मतलब सुबह मन ने सबसे पहले किसको याद किया। रिश्तों को बाहर से संवारने की मेहनत नहीं, अंदर से नींव मजबूत करने की ध्यान रखें। अंदर पुरानी बातें और नाराजगी पकड़ी है, गलतफहमियों का एक झोंका रिश्तों को बिखरने के लिए काफ़ी है। मन में जो उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, तो रोज सुबह मौन में बैठे परमात्मा को अपनी उलझन बताएं और औरों से राय मांगते हैं। परमात्मा से कहे, मुझे बताइए मेरे लिए क्या सही है। लोगों की 5 विशेषताएं और 5 कमजोरियां सुननी हो तो हमें याद है। अपनी विशेषताएं और कमजोरियां सुनानी हो तो हमें मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम खुद से ज़्यादा दूसरों का चिंतन करते हैं। ध्यान औरों से हटाकर खुद पे केंद्रित करें। विशेषताएं बढ़ाएं, कमजोरियां घटाएं। स्वचिंतन ही स्वपरिवर्तन की सीढ़ी है। उन्होंने मेरा अपमान किया, कितनी बार मैंने ऐसा महसूस किया और आज तक वह दर्द पकड़ा है। उन्होंने अपने संस्कार अनुसार व्यवहार किया और मैंने उसे अपना अपमान समझ लिया। मुझे मान और महिमा की जरूरत नहीं, मेरा अपमान नहीं कर सकता कोई। लोग हमारे अनुसार होंगे तो हम खुश होंगे, हम उनके अनुसार होंगे तो वह खुश होंगे। एक दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना जब जीवन जीने का तरीका बन जाए तो खुश रहना मुश्किल हो जाता है। वह अपने अनुसार होंगे, हम अपने अनुसार।
एक दूसरे की भिन्नता को स्वीकार कर लें और खुश रहना सहज और स्वाभाविक हो जाएगा। सात्विक सोचना, बोलना, सुनना रिश्तों को शुद्ध बनाता है। दुख उनके व्यवहार से नहीं, अपने सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। मन वही सोच जो मुझे सुख दे, मुख वही बोले जो दूसरों को सम्मान दे, हाथ वही कर्म करे जो सृष्टि को सुंदर बनाए। पुरानी बात को मन पे रखना, बात बीत गई, घाव नहीं भरा। बात को सोचने से, बोलने से, सुनने से दर्द बढ़ता है, भूलना मुश्किल होता है। बोलना सुनना आज से बंद करते हैं। सोच को खत्म करने के लिए रोज संकल्प, कर्मों का हिसाब किताब था, पूरा हुआ, उनके लिए सिर्फ प्यार और दुआएं। सोच कर बोलो। हम पहले बोल देते हैं, फिर समझते हैं गलती हो गई, फिर सोचते रहते हैं क्यों बोला। सोच कर समझ कर बोलो, बोल कभी गलत नहीं निकलेगा। हम सबके पास लोगों की दुआएं हैं, अपने हर कर्म से लोगों को सुख दें, दुआएं कमाएं। दुआओं से जीवन के सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वह क्षमता से अधिक धन कमाते हैं। धन आराम देता है, दुआएं खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते देता है। अगर परमात्मा सबका भाग लिखते तो दुनिया कैसी होती। परमात्मा भाग विधाता है, भाग लिखने का विधान सिखाते हैं। परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान और शक्ति देते हैं। हमारा कर्म हमारा भाग लिखता है। हमारे मन के घाव और उनका मरहम दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है, यह हमारा भ्रम है। सत्य यह है कि इट्स डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन मी। जैसा संगत वैसा रंग। रंग सिर्फ मिलने या बातों से नहीं, जिन्हें हम याद करते हैं उनके वाइब्रेशन का रंग लगता है। संग सत्संग, सत्य परमात्मा का संग और परमात्मा की याद से उनकी शांति, शक्ति, पवित्रता और प्यार का। कभी मन कहता है इनसे बात नहीं करनी, यह बात कभी नहीं भूलेगी। कभी मन कहता है कोई बात नहीं, छोड़ दो, हम तो सही करें। मन कभी यही सही सोचता है, कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार और नफरत का भी है। जिस संस्कार को ज़्यादा यूज करेंगे स्वभाव बनता जाएगा। कम सोचने और बोलने से हमारी शक्ति बचती है। कम बोलिए, धीरे बोलिए, मीठा बोलें। स्पीक लेस, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक स्वीटली, सेव एनर्जी। बच्चों की गलतियां देखकर हम कह देते हैं यह हमेशा ऐसा ही करते हैं, यह इनकी आदत है। कितना समझाओ, इनकी आदत नहीं बदलती। अपनी सोच और बोल को आशीर्वाद बनाएं। आप जो चाहेंगे वह कर सकते हो। यह आदत बदलना तो बहुत आसान है। चिल्ड्रन बिकम व्हाट यू बिलीव ऑन देम। मिसअंडरस्टैंडिंग, दूसरों को ना समझना, हम दोनों के संस्कार अलग हैं, नजरिया अलग हैं, सोच अलग है। उनके संस्कार समझ ना, लेकिन सम्मान कम ना होने देना, यह अंडरस्टैंडिंग है। हम उम्मीद करते हैं आपको यह पसंद आए होंगे। इन्हें आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हम मानते हैं शेयर मीन्स केयर। तो आप जिनकी केयर करते हैं और चैनल पे नए हैं या किसी कारण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना। आपके